नमस्कार प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य भाग 6 जिसमें छायावादी युग के बारे में पढ़ने वाले हैं। छायावादी युग सन 1920 से 1936 तक चला। छायावादी युग जो सन 1920 से 1936 तक चला, छायावाद की जो प्रमुख विशेषताएं थी, उनमें जो प्रमुख विशेषता थी इनकी इम्पोर्टेंट, उनकी विशेषता थी व्यक्तिवाद की प्रधानता। उसके बाद यदि हम बात करते हैं श्रृंगार की, तो श्रृंगार की भावना इनकी इम्पोर्टेंट विशेषता थी। प्रकृतिवादी मानवीकरण, सौंदर्य अनुभूति, वेदना एवं करुणा का आधिक्य, ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिसमें व्यक्तिवाद की प्रधानता है, श्रृंगार भावना है, प्रकृति का मानवीकरण है, सौंदर्यानुभूति है और वेदना एवं करुणा का आधिक्य है। इनके जो प्रमुख कवि एवं इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख जो महत्वपूर्ण रचना है वो कामायनी और लहर है। एक कामायनी है और एक लहर है। दूसरे आते हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की जो महत्वपूर्ण रचना है वो पल्लव और ग्रंथी। पल्लव और ग्रंथी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, परिमल और गीतिका, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं महादेवी वर्मा, इनकी जो रचनाएं हैं वो रश्मि और नीरजा। इस प्रकार से हिंदी साहित्य भाग 6 छायावादी युग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें और जो चैनल है MD सर्व संस्कृत हिंदी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद प्यारे साथियों।